इंदौर से कुक्षी जा रही छाबड़ा बस करीब रात्रि के 9:30 बजे रामपुरा घाटी पर जैसे ही पहुंची तो बस पर अज्ञात आरोपी द्वारा पत्थर फेंके गए, जिससे बस में बैठी सवारी इमरान नाम के व्यक्ति निवासी कुक्षी को सिर में पत्थर लगने से गंभीर चोट लगी है। शातिर बदमाश आने जाने वालों को पत्थर मार कर लूटने का काम करते थे। इस दौरान बीजेपी नेता के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया था। SDOP दिलीप सिंह बिलावल ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए उक्त घटना में संलिप्त गिरोह के आरोपी की शीघ्र पतारसी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। दारू पिए ले थे, तुमको ये नहीं लगता है कि दारू पिए ले और किसी को पत्थर लग जाएगा, वो एक मर रहा है, वो उसकी हालत ऐसी है, इंदौर में भर्ती है, पता है तुमको? नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है? ये बताया था बताया था नहीं, नहीं। अच्छा पैसे के लिए करते हो क्या ये दारू खाई के? पैसे के लिए के? तो क्या चलती बस को तुम रोक सकते थे? तो फिर क्यों फेंका? और ये पत्थर किसने अड़ाया है? तीनों ने पत्थर अड़ाए, क्या सोच के गाड़ी लूट लेंगे? फिर अब क्या हालत हुई है? पकड़े गए आरोपी रामपुरा और एक अपने कुक्षी थाना क्षेत्र के दो कुक्षी थाना क्षेत्र के एक अमलाल का दो अमलाल के एक दो रामपुरा के, और जो फरार हुआ वो अपने कुड़जेता का है। धन्यवाद सर। घाट में छाबड़ा बस को पत्थर मारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में बाघ पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। दिनांक 27/2/23 को रामपुरा घाटी में छाबड़ा बस को रोक कर पंचर कर पत्थर मारे थे। उसके पीछे जा रहे बीजेपी के नेता की गाड़ी पे भी बदमाशों ने पत्थरबाजी की थी। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी बाग रणजीत सिंह बघेल के नेतृत्व में आज सुबह थाना प्रभारी को सूचना मिली कि पाडल्या और रामपुरा घाटी के बीच में कुछ बदमाश लूट की डकैती और लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी मईबल के रामपुरा घाटी पे पहुंचा। वहां पर झाड़ियों में 4-5 लोगों की आवाज़ सुनी। मई फोर्स के दबिश देकर 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता की। एक आरोपी भागने में सफल रहा। उन 4 आरोपी में से एक नाबालिग है, बाकी 3 आरोपी बालिग है। जिनसे पूछताछ करते उन्होंने बताया कि 27/3 को 9:30 बजे के लगभग छाबड़ा बस में पत्थरबाजी करके कांच फोड़े थे, जिससे एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी, जो वर्तमान में इंदौर में भर्ती है। और बस के पीछे आ रही 2 गाड़ियों को जिस भी पत्थरबाजी की थी। उक्त आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। इस टीम में पूरी तरह से हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।